राम राम, सत श्री अकाल सारे भाइयों भाई। आपके अपने YouTube चैनल सुखबीर डांडा डेयरी फार्म में आप सब भाइयों का स्वागत है। आज आप सब भाइयों को ये वीडियो जो नैला गांव में प्रदर्शनी लगी थी, उसमें जो पशु प्रथम आए थे, बुल, भैंस, कटड़ी, उन सभी की है। आप सब भाई वीडियो को अंत तक देखें। और ये वीडियो मेरे एक दोस्त के द्वारा बनाई गई है और फिर मेरे पास भेजी गई है और मैं आप सब भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूँ भाई। कैटेगरी 1A, जिसमें 1 साल से नीचे मुर्रा नस्ल के कटड़े थे, उनमें जो कॉन्सोलेशन प्राइज है, कुलदीप स्नो भीम सिंह जासल से। छोटू, कुलदीप स्नो भीम सिंह जासल, संदीप उपालन से, संदीप कुमार उपालन से, तहसील नरवाना जिला कौन सा काम दियो पानीपत से सौदा प्रगाम कैटेगरी फर्स्ट ए, 1 साल से नीचे जो कटड़े थे जी, उनमें कॉन्सोलेशन प्राइज संदीप कुमार उगालन से। संदीप जी है क्या? आओ आओ। कैटेगरी 8 मिल्क ब्यूटी कंपटीशन में 32 टोकन नंबर। इन 5 पशुओं के अलावा कोई भी पशु है तो रिंग से बाहर चला जाए, और इनके अलावा कोई भी पशु पालक साथी इस रिंग में खड़े ना रहे। हमारे जजिंग कमेटी के जो सदस्य है उत्तम पशुओं में से सर्वोत्तम पशु निकालने के लिए आप पूरा जगह और स्पेस दे, क्योंकि ये चुनाव प्रक्रिया सबसे मुश्किल है। और सवेरे से यही जज अलग अलग कैटेगरी के लगभग 300 पशुओं का चयन कर चुके हैं, तो थकान भी एक हमारे जजिंग कमेटी के सदस्यों में है। और सूरज भी जो है ढलान की तरफ है, तो रोशनी भी कम है। तो ऐसी स्थिति में इन सारी विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया संयम और विवेक बनाए रखें, ताकि ये जजिंग प्रक्रिया जल्दी से संपन्न की जा सके। और आज की इस मेला प्रदर्शनी का सर्वोत्तम जो चैंपियन बुल है, चैंपियन ब्रीड है, वो निकाला जा सके। और उसके बाद सभी कैटेगरी के अंदर जो अलग अलग पशु पालक साथियों ने, अलग अलग उनके पशुओं ने जो इनाम जीते हैं, उनके पुरस्कार वितरण का काम शुरू किया जा सके। सभी रिंग नंबर पशु पालकों के अलावा, जिन 5 पशु पालकों और पशु के अलावा जो पशु पालक खड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि वो इस रिंग को खाली कर दें। लाइट भी कम होती जा रही है और पुरस्कार वितरण का काम भी करना, हमारे कैमरामैन को भी दिक्कत आ सकती है, इसलिए जल्दी सी सारी व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए आप अपने सहयोग दें। जींद वाली लोचो कौन सा काम है जी? हाँ से वाला कौन सा काम है?